थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोल रही थी कि जो भी किचन होती है बिल्डर फ्लैट्स वगैरह में या फिर इस टाइप के जो घर बने होते हैं उनमें ज़रूर ज़रूर बालकनी होती है। गाइज वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। कैसे हो आप सब लोग? तो आज घर में मैंगो शेक बनेगा फर्स्ट टाइम। अभी तक गर्मियों में मैंने मैंगो शेक ही नहीं पिया और ये बात मुझे एकदम से याद आई जब मैं कशिश से कल बात कर रही थी फ़ोन पे कि मम्मी आपने मैंगोज मंगाए। मैंने कहा मैंने तो अभी इस बार सीज़न में एक बार भी मैंगो ही नहीं मंगाया। तो आज मैं मैंगो खरीद कर लाई स्पेशली और मैंगो शेक बनाऊंगी। अभी वो वाले मैंगो नहीं आ रहे जो हम लोग चूस के खाते हैं ना, वो लंगड़ा आम वगैरह वो नहीं आ रहे, लेकिन मैंगो शेक वाले आम तो अच्छे आ रहे हैं मार्केट में, तो आज मैं इसीलिए लेकर आई थी। और पता चाय पीने का दिल नहीं करता आजकल, तो ये मैंगो शेक जो है ठंडा ठंडा बर्फ़ डाल के बनाऊंगी। और तो कल मैं कुछ ऐसे ही कमेंट्स पढ़ रही थी कि आपकी स्किन काफ़ी ग्लो कर रही है और आप क्या यूज़ कर रहे हो, तो एक तो मैं वो क्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और रिसेंटली जो मैंने चेंज किया, तो उससे थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है चेहरे पर। और साथ में मैं ये चिया सीड वाला पानी भी लेती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे। अगर आप बैली फैट बर्न करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपका बैली फैट ज़्यादा है, तो ये चिया सीड वाटर जो है इसे ना एक घंटे पहले भी अगर आप भिगोते हो पानी में, उसके बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। और बस दिन भर इसी में पानी मिलाते जाइए जब बोतल में पानी ख़त्म हो जाए, और एट लास्ट पूरे दिन में इसको ख़त्म कर दीजिए। मैंने बना के रखा, उसके बाद आप देखोगे नीचे पहुँच जाता है। तो जितनी बार भी आपको पीना हो बस हल्का सा शेक करिए और पी लीजिए, यही पानी पीजिए पूरे दिन में। और ऐसा नहीं कि आपको हर दिन यही पीना है, किसी दिन आपने बेसिल सीड का पी लिया, किसी दिन आपने जीरा वाटर पी लिया, किसी दिन आपने सौंफ का पानी पी लिया। एक्चुअली गर्मियाँ चल रही हैं तो सौंफ का पानी भी बहुत अच्छा होता है, बॉडी को ठंडा रखने में हेल्प करता है। आज बुरा काम बिगड़ा गया। ओहो, काम करते करते काम भी बिगाड़ लिया मैंने, तो आज पूरी गंगा जमुना बह गई। हाँ, और एक और नया काम बढ़ा लिया मैं जान को। अच्छा मैंगो शेक बना मेरा, ये हालत हो गई क्या भैया, ये बनाया मैंगो शेक। आज इस मैंगो शेक को बनाने में मेरे को बहुत पापड़ बेलने पड़े सच्ची में, मैं थक गई, मेरी मैंगो शेक पीने की भी इच्छा ख़त्म हो गई, मन ही नहीं कर रहा कि मैंगो शेक पीऊँ। पूरी मेहनत करनी पड़ गई, पूरी किचन जो गंदी हुई थी ओ माय गॉड, उसे सर्फ बर्फ़ डाल के अच्छे से साफ़ करा। सबसे पहले तो मैंने कपड़े चेंज करे, वो जो ऐसे लटका हुआ सा होता उसमें काम तो हो नहीं पाता इस टाइप का सफाई वफाई वाला, तो मैं तो नहा धो के आराम से, मैंने सोचा था कि आज कफ्तान पहनूंगी, थोड़ा सा गर्मी कम लगती है उसमें, एयर ही रहता है। धोया है मैंने उसे, अब उसे सुखा के फिर से प्रेस करके पहनूंगी। किसी किसी दिन ना आपका दिन ही ख़राब होता है और आपको सुबह से शाम तक बस स्ट्रगल ही करना पड़ता है किसी छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे कि ये मैंगो शेक जो कि 5 मिनट का काम है लेकिन पूरा पौन घंटे का काम होके रह गया है। पूरी मिक्सी भी साफ करनी पड़ी, यहाँ पर सर्फ डाल के पानी खींचना पड़ा, लेकिन चलिए पहले से ज़्यादा चमक गया, पॉजिटिविटी भी ढूंढनी चाहिए कभी कभी। गुड इवनिंग, तो आज मैंने प्लान किया है कि मैं ना अपने किचन का यूटिलिटी एरिया जो है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। तो मैंने अपनी किचन का काफ़ी सारा कहते हैं अरेंज कर लिया है। दिस इज़ माय किचन, ये आप लोगों को मैंने बहुत बार अपने ब्लॉग में दिखाई है। और किचन से निकलते ही बाहर सबकी किचन में, आई थिंक ऑलमोस्ट हर बिल्डर फ्लैट में किचन के बाहर एक बालकनी होती है, तो मुझे भी एक छोटी सी ये बालकनी मिली है। मैं चाहती तो मैं कवर भी करा सकती थी, लेकिन मैंने इसे कवर नहीं कराया क्योंकि मुझे ओपन रखने में मज़ा आता है, इससे फ्रेश एयर जैसे कि मिलती है सुबह के टाइम और सनलाइट भी प्रॉपर आती है, तो मैंने ये सब कवर नहीं कराया। लेकिन मैंने फिर भी इस किचन के बालकनी एरिया को, जिसे आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ यूटिलिटी एरिया, इस तरीके से यहाँ पर कैबिनेट्स बनवाई हैं जिसमें मैं किचन से रिलेटेड अपना सामान रख सकती हूँ, जैसे कि हमें कुछ सामान स्टॉकअप करना होता है
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किचन में रेगुलर में तो काम आती हैं, लेकिन उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा भी चाहिए होती है, क्योंकि उन पर डिस्काउंट्स ऑफर्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो आप उन्हें स्टॉक अप करके रख लेते हो, तो सबका मंथली बजट नहीं बिगड़ता है। तो मैं वही चीज़ मैं इस एरिया में करने वाली हूँ। अभी फिलहाल मैं आपको इन कैबिनेट्स की हालत दिखाती हूँ कि इस टाइम ये कैसी है और मैं इसे अरेंज करके कैसे करने वाली हूँ। तो फिलहाल ये जो है कि कुछ इस तरीके से ऐसी रैंडम चीज़ें रखी हुई हैं, मेरा हेयर से रिलेटेड सामान रखा हुआ है। अभी यहाँ पर मैंने कुछ राइस के कंटेनर, शुगर वगैरह एक्स्ट्रा यहाँ रखी हुई है, ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे वही जो आपके रेगुलर बैग्स वगैरह होते हैं, पॉलीथीन होती हैं, वो पड़ी हुई हैं। तो अभी कुछ भी ये अरेंज नहीं है। और इसी के जस्ट बराबर में मैंने ये स्लाइडिंग वाली कैबिनेट बनवाई है, जिनमें मैंने ये एक्स्ट्रा बोटल्स वगैरह अभी फ़िलहाल के लिए रख दी थी। कुछ मैंने यहाँ पर थर्मस वगैरह भी रख रखे हैं। इसके नीचे अगर मैं बात करूँ तो इसमें मैंने थोड़ा सा काम का सामान रख रखा है जो मेरे डेली में काम में आता है, लेकिन फिर भी इसे अरेंज करके अच्छे से कर लगाना है। नीचे भी ऐसे कुछ एक्स्ट्रा कप्स नहीं होते जो हमारे यूज़ में नहीं आते, ओल्ड हो जाते हैं, तो वो मैंने रख रखे हैं। तो यही है, इसको मैं पूरा ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ और फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने इस छोटी सी जगह को अपने किचन यूटिलिटी एरिया में किस तरीके से यूज़ किया और इसे और ज़्यादा यूज़फुल कैसे बनाया। तो जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोल रही थी कि जो भी किचन होती है बिल्डर फ्लैट्स वगैरह में या फिर इस टाइप के जो घर बने होते हैं, उनमें ज़रूर ज़रूर बालकनी होती है, और उस बालकनी को हम छोटी सी भी बालकनी को हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से स्पेस निकलवाकर, और इससे आपका हवा पानी भी नहीं रुकेगा और बहुत सारी स्पेस मिल जाएगी आपको सामान रखने के लिए, जो कि बहुत हेल्प करती है। और इसी यूटिलिटी एरिया में जैसा कि सभी के घरों में मैंने देखा है, मेरे घर में भी बहुत सालों से ऐसा ही होता आ रहा है कि किचन की जस्ट बालकनी में मैंने रख रखी है अपनी वॉशिंग मशीन, जिस पर डेली कपड़े धुलते हैं। कुकिंग करते करते हम लोग चेकआउट भी करते रहते हैं कि धुल गए नहीं धुले, तो यहाँ मशीन रखी हुई है। बाय द वे आप लोग सोच रहे होंगे मैंने खुले में बनवाया है, ये कैबिनेट्स ख़राब वगैरह तो नहीं हो जाएंगी, तो उसका मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ तक इस शीट को एक्सटेंड करा लिया जो कि वाटरप्रूफ है। बस इसके पीछे भी तीन लेयर में कवरिंग की गई है, जैसे कि बिल्कुल भी पानी का इस पर फर्क ना पड़े, जैसे कि बबल रैप्स वगैरह, फिर उसके ऊपर ये शीट एंड HDHMR, और HDHMR पानी में 48 आवर्स भी पड़ी रहे तब भी वो गलती नहीं है, ख़राब नहीं होती। यहाँ पर मैंने ना कुछ बास्केट्स तैयार करी है अपने किचन के लिए, और ये सबसे पहले है किचन क्लीनिंग की बास्केट, जिसमें मैंने रखा है दो सूती कपड़े, दो से तीन सूती कपड़े रखे हैं जो कि इस तरीके से मार्केट में आपको मिल जाएंगे, किसी भी पेंटर वगैरह वाली शॉप होती है ना वहाँ पर बहुत आराम से मिल जाते हैं, और ये क्लीनिंग करने में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, केवल 10 रुपये में मिल जाएंगी आपको धोतियाँ, जिन्हें आप काट कर अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो, और अगर आपके घर में कोई धोती पहनता है कॉटन की तो फिर उन्हें काट कर बना लीजिए। ध्यान रखिएगा वो कलर ऐसे नहीं होने चाहिए साड़ियों के जिनके कलर छूटते हो, वरना फिर आपकी कैबिनेट्स ख़राब भी हो सकती हैं। साथ में एक माइक्रोफाइबर का कपड़ा इस टाइप का आप रख सकते हो किचन क्लीनिंग के लिए, ये बहुत हेल्प करता है गाइस। जब भी मेरी टाइल्स वगैरह पर ग्रीस होती है तो मैं उसे हटाने के लिए इस टाइप का माइक्रोफाइबर के कपड़े से करती हूँ, तो बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है। आप में से किसी ने पूछा भी था मुझसे कमेंट सेक्शन में कि मैं किचन के टाइल्स किस चीज़ से क्लीन कर रही थी, तो ये है लाइजोल का डिसइंफेक्टेंट किचन क्लीनर, और ये बहुत हेल्प करता है। जितने भी जिद्दी दाग होते हैं ना आपके किचन में, उन्हें बस छिड़क दीजिए और बस 4-5 मिनट, मैक्सिमम 7-8 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और एक बार वाइप करेंगे सब कुछ निकल आता है। और यहाँ पर दो मैंने कीवी के पाउच रखे हुए हैं, ये आपके ड्रेन क्लीनर करने के लिए काम आते हैं। और यहाँ पर है एक ये इलेक्ट्रॉनिक की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी LCD है, लेकिन किचन में LCD वगैरह नहीं है, लेकिन OTG है, माइक्रोवेव है, तो उसे क्लीन करने में ये हेल्प करता है। और ये मैंने सिंक के क्लीन करने के लिए लिया हुआ है, बहुत आराम से क्लीन करने में हेल्प करता है। और यहाँ पर है टैप क्लीनर, टैप को क्लीन करने के लिए, चमकाने के लिए, जितनी भी टैप्स होती है वो शाइन करती रहे आपके किचन की, तो ये आपको मिल जाएगा सैनिटरी की शॉप्स पर, क्योंकि ये वाली बास्केट बहुत रेगुलर काम में आती है, तो मैं इसे आई लेवल पर रख रही हूँ जिससे कि मुझे निकालना आसान रहे। और यहाँ पर है एक और बास्केट जिसमें मैंने सारे के सारे किचन टॉवल्स हैं, किचन के कपड़े हैं जो यूज़ में आते हैं क्लीनिंग के टाइम पर, साथ में ये मैंने रख रखा है स्कॉच ब्राइट का, और ये स्कॉच ब्राइट का जो वाइप है ना गाइस, इस टाइप के जब आप पैक मंगाते हो, जैसे 5 के पैक हैं या 3 का पैक है, तो उनमें सेविंग बहुत अच्छी हो जाती है, तो मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ, मैं इस टाइप के बड़े बड़े वाले पैक मंगा के रख लेती हूँ, जिससे कि फ्यूचर में मेरे काम भी आते हैं और पैसे भी सेव होते हैं।
गाइस यहाँ पर भी मैंने दो बास्केट और रेडी कर ली है। एक बास्केट में मैंने रखे हैं गार्बेज बैग्स, जिसे मैंने इस तरीके से निकाल कर रखा है, जिससे कि जब मैं जो यूज़ करना हो तो मैं डेली इसे इस तरीके से खिसकाती हूँ, आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। और दूसरी बास्केट में है हेयर केयर का सारा सामान, जो भी मैं हेयर केयर हेयर मास्क लगाने में यूज़ करती हूँ। और गाइस यहाँ पर दो जो बास्केट है उसमें मैंने एक्स्ट्रा स्कॉच ब्राइट वगैरह रखे हुए हैं, जैसे कि ये डबल वाले मैंने रखे हुए हैं और इस टाइप के रखे हुए हैं। बाय द वे, आप जब इस टाइप का सेविंग पैक खरीदते हो तो उसके साथ आपको एक स्टील का जूना भी मिलता है, लेकिन इनका साइज़ छोटा होता है, मैंने ये नोटिस किया है, लेकिन प्राइस में आपको सस्ते पड़ जाते हैं ये वाले। और देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ होता है, मैं तो कभी कभी इन्हें काट कर यूज़ करती हूँ जो हम सिंगल में खरीदते हैं। और यहाँ पर है एक्स्ट्रा मॉप, काफ़ी सारे मैंने मंगा के रखे हुए हैं। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी इसी टाइम पर, कि मैंने ना ये लोकल मार्केट से ख़रीदे थे ये वाले मॉप्स, और ये वाला ना स्कॉच ब्राइट का है, लेकिन इस वाले मॉप को मैं ना दो आए थे, एक मॉप मैंने कहते हैं आंटी को दिया था, तो आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसका कपड़ा बहुत हार्ड है। तो कभी आप लोग सोचे कि स्कॉच ब्राइट का है भाई, कंपनी का है तो बढ़िया निकलेगा, अच्छे से क्लीन करेगा, वो इसे 10-12 दिन से यूज़ कर रही है लेकिन अभी तक सॉफ्ट नहीं हुआ है, बहुत ही खड़ा खड़ा सा रहता है। और ये दोनों बास्केट ऐसी हैं जो कि बहुत ही रेयर काम में आएंगी, तो इन्हें मैं ऊपर लगा रही हूँ। और यहाँ पर है मेरे पास किचन नैपकिन्स के काफ़ी सारे पैकेट्स, एक पैकेट मैंने अपने किचन में रख रखा है, एक्स्ट्रा जो है वो मैं यहाँ पर रख रही हूँ। और इस तरीके से ख़रीदने पर थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा चीज़ें खरीद लेती हूँ। मेरे घर में यूज़ होता है टाइड वॉशिंग के लिए, और ये 10 kg का पड़ जाता है, कैसे, क्योंकि 7 kg का तो ये ऑलरेडी होता है और 3 kg इसके साथ फ्री मिलता है, तो ये वाला बड़ा वाला पैक काफ़ी हेल्पफुल रहता है पैसों के मामले में भी, और आपको डेली डेली सर्व ख़त्म हो जाए तो भागना भी नहीं पड़ता। और यहाँ पर मैंने इतना बड़ा बॉक्स ले रखा है जिसमें मैं ये से पूरा भर के सबसे नीचे लगा दूँगी। साथ में ही मैंने इसमें एक कप डाल लिया है, जब मुझे फिल करना होगा अपना रेगुलर वाला बॉक्स तो मैं फिल कर लूँगी। ये रेगुलर बॉक्स है मेरे पास सर्फ का, जो कि मैं साइड में रखती हूँ, जो कि मेरे लिए काफ़ी आसानी रहती है, इसे हल्का सा है। और ऐसा एक और बॉक्स है मेरे पास, इसे मैं यूज़ पता है इस तरीके से कर रही हूँ, यहाँ पर ना जो मॉप होते हैं ना जो हम हैंड से लगाते हैं, उनके जो मैंने रिफ़िल मंगा रखे हैं वो गंदे हो जाते हैं, तो कुछ महीनों बाद आपको चेंज करने पड़ते हैं, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी मंगाए हुए हैं, तो ये ऑफ़र में मैंने मंगाए थे तो मुझे 50 का ईच पड़ गया था। यहाँ पर मैंने दो बास्केट खरीदी थी, ये है आलू और प्याज के लिए, इनमें यहाँ पर छोटे छोटे होल देख रहे हैं ना आप, तो इनसे एयर पास होती रहेगी, आपको जब निकालना हो तो इस तरीके से आप हाथ डाल कर निकाल सकते हैं, लेकिन जब आपको फिल करना हो तब आप इसे पूरा खोल कर फिल भी कर सकते हैं। तो मैं इसे यूज़ करके फर्स्ट टाइम देखूँगी कितना काम करते हैं मेरे लिए, अगर बहुत अच्छे से काम करें तो मैं आगे आपको ब्लॉग में बता दूँगी। और यहाँ पर मैं एक हैंगिंग बास्केट भी लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्लेस बच रहा है जिसे हमें यूज़ कर सकती हूँ स्मार्टली, और क्यों ना करूँ जब मेरे पास ये है। और आप भी इस तरीके से अपने स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हो, यहाँ पे भी कुछ सामान रख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ किचन टॉवल्स। टाइप का आपको हुक वाला मिल जाएगा जिसे आप डोर पर हैंग कर सकते हो, ये डिटैचेबल होता है, आप अपने किचन में भी इस टाइप से यूज़ कर सकते हो टॉवल वगैरह हैंग करने के लिए। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर मेरे पास कुछ इस टाइप की टॉवल्स थी उनको हैंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने किचन में जो जो चीज़ें काम में आती हैं उन सब के रिफ़िल पैक्स मंगा रखे हैं। बोटल्स तो ऑलरेडी हैं ही, जैसे कि आपके पास भी बोटल्स होती होंगी तो वो आप रीयूज़ कर सकते हो इस टाइप रिफ़िल पैक मंगा कर। तो रिफ़िल पैक मंगाने से हमेशा सेविंग होती है पैसों की, तो ये भी एक अच्छा आइडिया है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर बड़ा वाला विम लिक्विड है मेरे पास, इजी का बड़ा वाला पैकेट है, हैंड वॉश का बड़ा पैकेट मैंने इस टाइप से मंगाया हुआ है, इसी तरीके से मैंने कोलीन का भी मंगाया हुआ है। तो ये जो सेवर पैक्स आते हैं या फिर कभी भी डिस्काउंट्स या ऑफर चल रहे होते हैं तब मैं परचेज करके रखती हूँ। ये वाला
वाली जो पुल आउट्स है ना गाइस, इन पुल आउट को मैं यूज़ करती हूँ अपने डेली पर्पस के लिए। जैसे कि ये सब के सब यहाँ पर रिफिल पैक थे ना, इनकी बोतलें भी मैंने रखी हुई हैं, जैसे लाइजॉल है, विम लिक्विड है, कोलीन है, इजी है, और ये है टाइल्स के क्लीन करने के लिए, जो फर्श के टाइल्स होते हैं वो क्लीन करने के लिए। तो इसे मैं और नीचे रख रही हूँ, ये डेली काम में नहीं आता है। ये है किचन का जो स्टोन है ना, जो मैंने लगवाया हुआ है अपना क्वार्ट्स, उसको क्लीन करने के लिए है, मैंने वहीं से ही ख़रीदा था ये। और ये है कपड़ों का कंडीशनर, जब आप कपड़े वॉश कर लेते हो उसके फैब्रिक को शाइन रखना चाहते हो तो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये भी मेरे किचन यूटिलिटी एरिया में रहता है। इसके अलावा ये वैनिश है, और ये मेरा रेगुलर वाला सर्फ है जिससे मैं डेली कपड़े वॉश करती हूँ, तो ये मैं यहाँ रख रही हूँ। और इसमें मैंने रखी हुई है पीताम्बरी, इससे मैं पीतल के बर्तन वगैरह क्लीन करती हूँ मंदिर के। यहाँ पर ना मैंने कुछ डिटैचेबल वाले ये ख़रीदे हैं, और इन्हें किस तरीके से हमें यूज़ करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक ऑलरेडी मैंने लगा दिया है यहाँ पर, झाड़ू रखी है मैंने इसमें, तो इस तरीके से झाड़ू जो है वो हैंग हो जाएगी। और एक और मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ वाइपर के लिए, अगर मैं नीचे रखती हूँ तो पानी वानी में गीली हो जाती है। थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज किया है, ऑर्गेनाइज क्या किया है, बस जो सामान मेरे पास एक्स्ट्रा थे वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। अभी भी बहुत स्पेस है यहाँ पर। यहाँ पर आटा चक्की भी मैंने रख दी है, कुछ लोग मुझसे आटा चक्की के बारे में पूछ रहे थे। आटा चक्की अभी भी मेरे पास है, लेकिन बहुत कम काम में आती है, मतलब जिनके घर बड़ा है, जिनको बिल्कुल ही एकदम ऑथेंटिक आटा वगैरह खाने की आदत है, उन लोगों के लिए अच्छा है, मेरे लिए इतना यूज़फुल नहीं रही है। और यहाँ पर मेरी देखिए पूरी की पूरी लॉफ्ट जो है ऑर्गेनाइज हो गई हैं, वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुई हैं। आपने पहले भी देखा था ये किस तरीके से थी, और अभी देखिए तो अब हर एक चीज़ मुझे सामने से दिखाई दे रही है, तो मैं आराम से उन्हें यूज़ कर सकती हूँ निकाल के। मैं बहुत खुश हूँ इसे लगाने के बाद। और नीचे वाला पुल आउट अभी भी बचा है, खाली है, इसमें भी सामान रख सकती हूँ, इनफैक्ट ऊपर भी रखा जा सकता है। तो नीचे मैंने कुछ शुगर के कंटेनर्स हैं वो रख दिए हैं, एक्स्ट्रा शुगर है मेरे पास। मैं बिल्कुल भी टेंशन ना लेके आराम आराम से सब चीज़ें सेट कर रही हूँ, और उसमें मैं एंजॉय भी कर रही हूँ। एक होता है ना कि आपने जल्दी जल्दी सब कुछ शिफ्ट कर लिया, जल्दी जल्दी सब कुछ लगा लिया, लेकिन आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो और उतने हिसाब से भी नहीं लगा पाते जितना कि आप चाहते हो। आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे इस टाइप के वीडियोज़ मेरे। आज डिनर में बनी है गट्टे की सब्जी, इसमें फ्रेश फ्रेश धनिया डलेगा ना तो और अच्छी खुशबू आएगी। मुझे बहुत पसंद है गट्टे की सब्जी, इनफैक्ट मुझे बेसन वाली सब्जी बहुत पसंद है जो मम्मी बनाती हैं, वो मम्मी के हाथ में जो स्वाद आता है ना बने हुए में, वो बहुत अच्छी लगती है। अब मैं कभी मुरादाबाद जाऊंगी ना तब मम्मी के हाथ की खाऊंगी। और वैसे भी समर वेकेशन स्टार्ट हो रही है, अब तो रुद्रांश की भी होने वाली हैं, तो रुद्रांश के साथ भी हम लोग कुछ प्लान बनाएंगे घूमने के। लगा दूं खाना प्रशांत? हाँ, भूख लग रही होगी ना? भूख लग रही है। चलो तो बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, लव यू गाइस, मिलते हैं फिर एक और वीडियो में।